छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा तंज कसा गया। रमन सिंह ने ट्विटर में एक कविता पोस्ट की है। बदले की इस जांच से भला सत्य को आंच कहां आई है, संख्या में अधिक हो जाने से भला क्या सियारों ने सिंह पर विजय पाई है। गरीबों को चावल देना तुम्हारे नजर में अपराध है, मेरे आदिवासी भाइयों का क्या सरई का बीजा खाना याद है। भूखों को खाना देना अगर मेरे अपराध में गिना जाएगा तो लाख निगाले कदम मेरे ये अपराध फिर से किया जाएगा। अपने द्वेष के तराजू में मेरे कर्मों को क्या तौलोगे, वर्षों सेवा किया है हमने क्या उस पर भी कुछ बोलोगे। झूठे वादों से तुम पहुंचे हो अब उन्हें पूरा करने की बारी है, मेरे हौसलों को तोड़ने की चेष्टा ना कर, मेरे साथ मेरी छत्तीसगढ़ महतारी है। और लिखा है कि गरीब परिवारों के लिए उन्होंने 15 साल तक काम किया है, अगर यह उनकी नजर में अपराध है तो वे ये काम आगे भी करेंगे। उन्होंने ट्वीट किया, 15 सालों तक छत्तीसगढ़ महतारी के आशीर्वाद से हमने प्रदेश के गरीब परिवारों तथा आदिवासी भाइयों और बहनों के सर्वांगीण विकास हेतु निरंतर कार्य किए हैं। यदि भूख से व्याकुल गरीब परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था करना उनकी नजर में अपराध है तो हो यह काम मैं आगे भी करूंगा। पूर्व सरकार के खिलाफ ऐसे कई मामले जैसे नान घोटाला, झिरम कांड, अंतागढ़ टैप कांड जिसकी जाँच भूपेश सरकार करा रही है, वहीं भूपेश सरकार नान घोटाले की जांच एसआईटी से करा रही है। जांच की आंच पूर्व सीएम के परिवार तक भी पहुंच रही है और यही वजह है कि नान घोटाले को लेकर राज्य की राजनीति गर्मा रही है। यही वजह है कि रमन सिंह द्वारा भूपेश सरकार पर एक कविता डालकर तंज कसा गया है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे।